आपका स्वागत है तेज खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे। तेज खबर 24 में इस वक्त रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां बबूल का पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर लाठियों से हमला कर दिया। मारपीट का यह वीडियो घटना के दूसरे दिन सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। देर रात वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत वसी ने एएसपी शिव कुमार वर्मा, एसडीओपी तोतर समरजीत सिंह परिहार के नेतृत्व में टीमें गठित कर आरोपियों को चिन्हित कर महज एक घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। हम आपको बता दें, जवा थाना अंतर्गत ग्राम सितलहा में बबूल के पेड़ को काटने को लेकर दो युवकों के ऊपर तीन युवकों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। रविवार को हुई इस घटना के बाद दोनों पक्षों द्वारा मारपीट की शिकायत जवा थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन जब थाना प्रभारी द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, जबकि मारपीट में घायल एक युवक को जवा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर उसे रीवा रेफर कर दिया गया। वहीं सोमवार की देर रात सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद जानकारी पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को हुई, जिसके बाद एसपी ने देर रात ही एक्शन लेते हुए महज एक घंटे के अंदर वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करते हुए एएसपी शिव कुमार वर्मा और एसडीओपी तोतर समरजीत सिंह के नेतृत्व में गठित की गई टीमें द्वारा जवा थाने के नगमा गाँव में दबिश देकर मारपीट करने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में फिरोज खान, हुसैन मोहम्मद उर्फ गोलू और अफरोज खान, सभी निवासी ग्राम नगमा थाना जवा शामिल हैं। पुलिस फिलहाल पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। हम आपको बता दें, इन दिनों मध्य प्रदेश में मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने का प्रचलन नेचल निकला है। हालांकि पुलिस सभी मामलों में आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है, साथ ही ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है जिनके द्वारा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है।